जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे हैं उस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन है, ऑन डिजोल्विंग 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 94.4% ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड फ्रॉम 9.953 किलो पास्कल टू 9.823 किलो पास्कल। डिटरमिन द मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलिकुलर मास दोनों निकालना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुआ है इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमने 3 ग्राम एक नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को 100 ग्राम बेंजीन में जब मिक्स किया तो उसकी वेपर प्रेशर जो पहले था 9.953 किलो पास्कल वो घट करके 9.823 किलो पास्कल हो गया। तो बताओ उस नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला और साथ में मोलिकुलर मास। तो पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा पता है, क्या क्या डेटा दिए हुआ है इस क्वेश्चन में, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको मालूम है मास ऑफ नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन। नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन जो है उसका मास हमको मालूम है कितना है, तो 3 ग्राम है। ठीक है, अच्छा इसकी जो है मोलिकुलर मास हमको नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं लेट मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दिए हुआ था। सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, बेंजीन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा बेंजीन है वो कितना है, 100 ग्राम है। और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट कितना होगा, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 ग्राम × 6 + 1 ग्राम × 6 यानी कि 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, जब ये सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसका है यानी कि बेंजीन, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो था हमारा उसका वेपर प्रेशर को हमने मान लेते हैं कि पी नॉट है ये, तो इज इक्वल टू 9.953 किलो पास्कल था। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, ध्यान से सुनना, जब इस बेंजीन में 100 ग्राम बेंजीन में 3 ग्राम नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को मिक्स किया गया तो उसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का था वो घट गया था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 9.823 किलो पास्कल हो गया था यानी कि ओवरऑल वेपर प्रेशर घट गया था। ठीक है, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का केस है। तो हम लोगों ने, अच्छा एक और बात मैं बता दूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एक कॉन्सेप्ट आता है, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 ग्राम 100 ग्राम में है, मतलब ये कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट जो निकल कर आता है जिस समय हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो उस समय इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि एक्चुअली होना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्वेंट को ही लेके चलते हैं, सॉल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनेगा कैसे, मतलब इसको, इस फॉर्मूले को और भी अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया जाए तो ये फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, सो देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इनटू यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इसके नीचे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा
और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पी नॉट हमारा कितना है, 9.953 किलो पास्कल माइनस 9.823 किलो पास्कल, यही है हमारा पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय क्या था, पी नॉट, यानी कि 9.953 किलो पास्कल ऐसा कुछ था, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 3 ग्राम है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं मालूम है लेकिन हमने इसको एम कंसीडर किया है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर था ना, तो मोलर मास तो सॉल्वेंट का 78 ग्राम पर मोल आया था, है ना, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल आया था और इसका मास है 100 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा घटाकर 0.13 किलो पास्कल आएगा, 0.13 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 9.953 किलो पास्कल, किलो पास्कल से किलो पास्कल कट जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 78 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय m इंटू 100, तो हमें m निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 78 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 0.13 नीचे आ जाएगा इंटू 100 ऑलरेडी है, और ये जो है हमारा 9.953 ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो मोलर मास आएगा वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 179.154 ग्राम पर मोल आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा, मोलर मास आ गया। इस क्वेश्चन का एक आंसर तो पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, इस नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन जो है हमारा इसका हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन है उसमें 94.4% जो है वो कार्बन एटम मौजूद है। ठीक है, तो बच गया कितना, 5.6% जो है वो हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 94.4% ऑफ कार्बन दे दिया हुआ है बाय वेट, तो टोटल मास उस मॉलिक्यूल का जो नॉन वोलाटाइल हमारा जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन उसका मास हमको मालूम है, तो अगर हम बात करें कि इस टोटल मास में कार्बन कितना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन निकालेंगे, हम मास ऑफ कार्बन एटम इन इन हाइड्रोकार्बन, उस टोटल हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो भी मास आया उसमें कार्बन का एटम की जो है मास हम निकालने जा रहे हैं, तो कितना होगा यहां पे, टोटल मास कितना है 179.154 ग्राम इंटू 94.4% यानी कि बाई 100 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा ओवरऑल एप्रोक्सीमेशन मेथड से वो आएगा 169 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तो कार्बन का मास आ गया है, अब यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो टोटल मास होगा वो उसमें से कार्बन के मास को हम घटा देंगे, तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 179.154 ग्राम माइनस 169 ग्राम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, लगभग 10 ग्राम के आसपास आएगा हाइड्रोजन का। अब हमको क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अब हमको क्या निकालना होगा, कार्बन एटम की संख्या, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक टोटल कार्बन का मास है 169 ग्राम बाई एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट ये लगभग जो है इसका वैल्यू 14 आएगा, यानी कि हमको मालूम चल गया कि उस हाइड्रोकार्बन में 14 कार्बन एटम जरूर होंगे। अब हमें बात करनी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या 10 और कार्बन की संख्या 14, यानी कि उस नॉन वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला C14H10 हो जाएगा, तो मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी C14H10 एंड मोलिकुलर मास विल बी 179.154 ग्राम पर मोल। क्लियर है, मे बी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही हमें आंसर्स मिलने के चांसेस होते हैं, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू प्रिपेयर अ 0.25 n HCl, यानी कि इस HCl सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दिए हुआ है, कह रहा है कि हमें
ऐसा HCl का सॉल्यूशन बनाना है जिसका स्ट्रेंथ 0.25 इन हो, नॉर्मल सॉल्यूशन हो, जो कि पहले 0.5 इन था, मतलब सॉल्यूशन का पहले स्ट्रेंथ 0.5 इन था जब सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है हमें 1 लीटर, और जब वॉल्यूम 1 लीटर था उस समय उस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी था जिसको हम एन आई बोलेंगे वो था 0.5 एन। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना पानी हम डालें कि सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी है यानी कि फाइनल नॉर्मलिटी जो है वो 0.25 एन हो जाएगा HCl का। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा सॉल्यूशन का। फाइनल वॉल्यूम जब हमें निकल जाएगा, पता चल जाएगा, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि हमने कितना पानी को ऐड किया है ना, कैसे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमको डाइल्यूशन फॉर्मूला का यूज करना होगा। देखो ध्यान से सुनना, जब भी कंसंट्रेशन, यहां पे देखो कंसंट्रेशन 0.5 एन है तो इसका मतलब ये हायर कंसंट्रेटेड स्टेज में है, और हमने पानी मिलाया तभी तो लोअर कंसंट्रेटेड स्टेज में आ गया ना, इसका मतलब हमने डाइल्यूशन किया। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ऑफकोर्स डाइल्यूशन। तो NIVI इज इक्वल टू NFVF, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब क्या करना है हमको, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। NIVI बाय क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। इनिशियल नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना था, 0.5 N था, और वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, बाय NF 0.25 N है, N से N कट जाएगा, 0.5 कितने टाइम्स में कटेगा 2 लीटर, यानी कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 2 लीटर। तो एक बात बताओ, 1 लीटर सॉल्यूशन का जब कंसंट्रेशन 0.5 एन था तो 2 लीटर का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.25 हो गया। तो भाई 1 लीटर को 2 लीटर बनाने के लिए हम क्या किए होंगे, 1 ही लीटर पानी ऐड किए होंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम है 2 लीटर और पहले था 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी हमने ऐड किया था तब जाकर कि इसकी नॉर्मलिटी 0.5 एन से 0.25 एन हो गया है। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।